हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे आप सभी लोग? और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मेरा काम जल्दी फिनिश हो गया था, क्योंकि आज मुझे जाना था बैंक। बैंक में मेरा एक खास काम था। खास काम से मतलब है, जो एटीएम मेरा है वो थोड़ा सा पता नहीं उसमें क्या हो गया है। नहीं, एटीएम तो ठीक है, लेकिन जो एटीएम से नोटिफिकेशन आता है, जैसे हम लोग अकाउंट में पैसा डालते हैं और या निकालते हैं, तो इस समय मेरे अकाउंट्स मतलब नोटिफिकेशन मेरे उस पर फ़ोन में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मुझे एप्लीकेशन देने के लिए जाना था, और तो इसीलिए आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए हैं, और इसकी वजह से आज मेरा सारा काम जल्दी से हो गया है। और आज अभी मैं बैंक होकर आई हूँ, एप्लीकेशन दे कर आई हूँ। तो वहाँ पर स्टाफ ने कहा, स्टाफ में जो होते हैं मेन, तो उन्होंने कहा कि मैम आप रात तक आपका काम कम्प्लीट हो जाएगा, आज शाम तक हो जाएगा, और देखते हैं। क्योंकि जब भी मैं उसमें पैसे निकालती हूँ एटीएम के थ्रू, तो मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं आता, और मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। तो और मुझे टेंशन हो जाता है कि पैसे हैं या नहीं है पैसे, तो दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो मैंने सोचा आज करके आऊँ, ऐसा काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा था। और दूसरी खास बात, आज मैंने एक बहुत ही मज़ेदार सपना देखा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मैं आप लोगों के साथ अपना सपना शेयर करना चाहूँगी। और आज मैंने सपने में आनंद महिंद्रा जी जो हैं, मैंने उनके सपने में देखा कि उन्होंने मुझे घर गिफ्ट किया। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना मैं आनंद महिंद्रा जी को, मैं तो नाम से जानती हूँ लेकिन वो तो मुझे जानते भी नहीं हैं। उन्होंने मेरा नाम भी दुनिया में नहीं सुना होगा कि कोई सुमन नाम की लड़की लेडीज है रहती है। तो पता नहीं क्यों आज मुझे, और मैंने उनको कभी याद नहीं करती सपने में भी, किसी भी रीजन से नहीं याद करती, क्यों याद करके क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं अपने घर के बारे में ज़रूर सोचती हूँ कि मेरा अपना घर कब होगा, जो मेरे नाम की नेम प्लेट लगेगी, सुमन जायसवाल नाम की मेरी नेम प्लेट लगेगी। तो मैं अक्सर इस चीज़ के बारे में सोचती रहती हूँ कि काश मेरा एक अपना घर हो, जिसमें मेरे सारे अपने रिलेटिव्स आ सकें, जिनको मैं बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि ससुराल तो ससुराल ही होता है ना। तो बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ के लिए मुझे, और बहुत अकेला फिन फील होता है, जिनके साथ मैं बचपन से खेली हूँ, कूदी हूँ, बड़ी हुई हूँ, और बस सब लोग छूट गया शादी होते ही। और पता नहीं क्या बोलूँ, कुछ घरेलू ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए मुझे अपना एक घर चाहिए, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आजकल घर इतने कॉस्टली हैं कि लेना मेरे उसमें नहीं है। तो मैं भगवान से बस प्रे करती हूँ, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मैं एक अपना घर ले सकूँ। और बस, तो आज जब सुबह मैं उठी, तो मैं 6:30 पर उठ जाती हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गई सपना देखते देखते। तो जब आज मैं उठी, तो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, अपनी बड़ी बेटी को भी नहीं बताया, मैं उससे हर बात अपनी शेयर करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा बैंक से जब फ्री होकर बैठी, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर भाई बैठी हूँ, तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों से शेयर करती हूँ कि इस मेरे सपने का क्या अर्थ होगा कि आनंद महिंद्रा जी ने मुझे एक घर गिफ्ट किया, जिस घर की मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा घर नहीं है अभी, और हर माँ बाप को मैं कहती हूँ कि अपनी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ उनको एक घर ज़रूर देना चाहिए। भले आप एक रूम का उनको घर दीजिए, पर उनको आप घर दीजिए। जब आप उनसे बोला जाता है ना कुछ ऐसे गलत वर्ड, तो जिसका मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है, तो मैं क्या कहूँ। सपने के लिए आनंद महिंद्रा जी ने जो मुझे सपने में घर गिफ्ट किया, मैं उसके लिए उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू आनंद जी, और काश मेरा सपना सच हो जाता और मैं आपसे सच में मिल पाती और मेरा एक अपना घर हो पाता। मैं कह सकती कि मेरा घर है, और यहाँ से मुझे कोई नहीं बोल सकता कि जाओ यहाँ से जाओ। तो लड़कियों को बहुत तकलीफ़ होती है इन सब बातों से, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, चलता रहता है फिर भी। और आप लोग कैसे हैं, खाना खाया या नहीं खाया? और मैंने तो आज अभी तक सुबह की बस एक ब्लैक टी पी हुई है, और उसके बाद अभी कुछ नहीं। और आज मेरी तो, कल मैंने कुछ पापड़ भी बनाए थे, तो आज उठते ही मेरी छोटी बेटी बोलती है, माँ जल्दी से मुझे उसको फ्राई करके खिला दो। मैंने कहा बेटा अभी कच्चे हैं, आज आएगी स्कूल से तब ज़रूर मांगेगी। और अभी मुझे अपना पूरा खाना बनाना है, सुबह बच्चों को सब्जी पराठा बना कर दिए थे, अब मैं आज खाने में क्या बनाऊँ ये मुझे सोचना पड़ रहा है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, और आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहिए, जिससे आपका मन खुश हो,
क्योंकि बातें बनाने के लिए तो दुनिया है ना, कि लोग क्या कहेंगे। तो अपने मन की करते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी किसी का नहीं है। ओके बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें और बहुत सारा सपोर्ट दीजिए अपना, जिससे मैं सच में आगे चल के बहुत प्रोग्रेस कर पाऊँ, बहुत तरक्की करूँ। आप लोगों की ब्लेसिंग की ज़रूरत है मुझे बहुत सारी। तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओके बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।